स्वदेश वाणी। जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी को राज्यपाल ने तलब किया था। अमिताभ चौधरी गवर्नर हाउस पहुंचे, राज्यपाल से घंटों चर्चा की। आशंका व्यक्त की जा रही है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट 2021 रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मोराबादी मैदान से जेपीएससी कार्यालय को घेराव करने निकले थे, लेकिन मोराबादी मैदान के पास आंदोलनकारी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना के बाद बीजेपी विधायक और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल जेपीएससी चेयरमैन से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद बीजेपी विधायकों ने यह कहा था कि जेपीएससी चेयरमैन से बातचीत हो गई है और 4 दिन का समय मांगा गया है और दावा किया गया है कि चेयरमैन ने अपनी गलती मान ली है। लेकिन गवर्नर से मिलने के बाद जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे चेहरे को देखकर आप लोगों को एहसास हो गया होगा कि हमने अंदर सभी सवालों का जवाब दे दिया है। अब झारखंड की वेबसाइट को आप लोग देख लीजिएगा। यह कहकर अमिताभ चौधरी अपने कार्यालय की ओर रवाना हो गए। आप लोग मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। ये जो गाड़ी का हॉर्न होता है उससे मैं बहुत घबरा जाता हूँ। कान का पर्दा बड़ा कमजोर है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि जो भी प्रश्न आपके हैं सबके उत्तर मेरे चेहरे पे है, ठीक है ना? सबका उत्तर। मुस्कुराते रहिए और निश्चिंत रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।